गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। होप संडे यू माइट हैव एंजॉयड। मैं भी आज दिन भर मेरे ऑफिस में था और सभी के केसेस का फाइनलाइजेशन कर रहे थे। संडे है। सबसे पहले मैं सिविल सर्विस में जिन्होंने सफलताएं प्राप्त करी हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं एंड ऑल द बेस्ट। कुछ लोग आईएएस में चयनित हुए हैं, कुछ आईपीएस में, कुछ आईआरएस में, कुछ ग्रुप ए, कुछ ग्रुप बी सर्विसेज में, कुछ लोग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में जाने की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग बाकी अन्य अकेडमीज में। एनीवे, बहुत अच्छी बात है। अब 10 तारीख को जो है आपका प्रिलिम्स है। जो निराश भाई बहन हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराश मतलब, कहने का मतलब यह है कि जिनको सफलता नहीं मिली है किसी कारणवश, वो निराश ना हो, अपने हौसले बुलंद रखें। निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। और अभी कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। और होन हार बिरवान के होत चीखने पात। इस जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत महल में रह जाना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं। तो इस जज्बा के साथ आगे बढ़ते रहें। रही बात, आज रीट भी हो गया है, ऑल द बेस्ट। दिन भर नेट नहीं था, नहीं तो हम मॉर्निंग में ही वीडियो बनाते। तो रीट के अभ्यर्थियों के लिए भी ऑल द बेस्ट, इसलिए कोई चिंता नहीं है, सब ठीक होगा। धीरे धीरे सब प्रक्रिया ऐसे ठीक हो जाएंगी। आरएएस की डेट्स भी आ गई हैं। 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स है। सो मेहरबानी करके और बहुत अच्छे से पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दें बस, और कंटिन्यू राजस्थान के ऊपर और बाकी जो भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल, फ्रीडम मूवमेंट से लेकर सबको आप ठीक तरीके से दोहराते रहें। एंटिटी के अभ्यर्थियों की जहाँ तक बात है, उनकी क्यूरीज अभी बनी हुई हैं, कोई चिंता मत करो, सब ठीक होगा। एनसीटी और एनटीटी का जो लपड़ा है, जो झपड़ा है, वो सब 18 अक्टूबर को ठीक हो जाएगा और किसी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच बात को बताने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आपसे कोई पूछता है आप सच बता दीजिए, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन झूठ बोलने पर ही कार्रवाई होती है, इसलिए मेहरबानी करके और फर्जीवाड़े से बचते रहिएगा। और फिर भी कोई तकलीफ है आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें, हमारे ऑफिस में आएँ। पता हमारा वही है, 821 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। और फ़ोन नंबर अभी हमारा वही है, 95092-9695। इतना ही है। अभी हम धीरे 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 आपको और गाइडेंस देंगे, कुछ जनरल नॉलेज की बातें भी आपको बताया करेंगे। हम सोच रहे हैं यही कि इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और इनसे रिलेटेड जो भी डाटा फंडाज हैं विभिन्न प्रकार के, वो सब आपको हम धीरे धीरे अवगत कराएँ, यही हमारा उद्देश्य है। और जहाँ तक रही कोर्ट कचहरियों की बात, देखिए एंड में जाकर के, लास्ट में जाकर के कोई भी आदमी कोर्ट और कचहरियों में जाता है, अदरवाइज़ किसी को हम सलाह नहीं देते हैं कि आप कोर्ट कचहरियों में अननेसेसरी जाएं। लेकिन जब सिर से पानी ऊपर निकल जाता है तब हमारे पास में चारा भी क्या बचता है, यही एक चारा बचता है। फिर भी हम आपको मिसगाइड नहीं करेंगे कभी भी, हम आपके लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे और मिनिमम जो भी एक्सपेंडिचर है आपका, उसमें आपका हम निश्चित रूप से भला कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे भगवान की मर्जी है। माननीय ट्रिब्यूनल्स हैं, माननीय हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, यही हमारे पास में चारा है, यही हमारे पास में जज्बा है। इसलिए एंटिटी के अभ्यर्थी, उनसे हमको बहुत ज़्यादा लगाव है, बेचारे काफ़ी परेशान हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जम्मू वाले हों चाहे कोई भी हों, सब एलिजिबल हैं। केवल जिन लोगों ने फर्जी तरीके से कोई डिग्री ले रखी है, जहाँ इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है, उनका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, डेफिनेटली। वो तो गलत है तो गलत है। बाकी जिनकी इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर डिग्री ली है, भले ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो होती है वो रिकॉग्नाइज तो होती ही है। तो हमारा प्ली जो है हाई कोर्ट में यही रहेगा कि इंस्टीट्यूट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, देयरफॉर उनको भी आप एट पार ट्रीट करिए। जब आप 12वीं की जो मान्यता है उसको समकक्ष ट्रीट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो नीचे मान्यता है उसको भी आप एट पार या समकक्ष ही ट्रीट करें, यही हमारी दलील रहेगी। और मैं समझता हूँ कि माननीय कोर्ट जो है न्याय करते हैं और इस दलील को अवश्य ही मानेगा। निश्चित रूप से आप चिंता न करें, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, यही हमारा आपसे जो है आह्वान है। बाकी तो हम बात करते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही देंगे, आज हम थोड़े से व्यस्त हैं और सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि आप जो ही नेट आता है हम आपको निश्चित रूप से एक वीडियो डालेंगे। हैव ए नाइस डे, हैप्पी संडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।